और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के एक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। बिट्टू ने क्या कहा है और उस पर किसान नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है, रिपोर्ट देखिए। पंजाब में उपचुनाव के बीच एक बार फिर किसान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। पंजाब के मुक्तसर के गिद्दड़बाहा विधानसभा उपचुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने किसान नेताओं के बारे में एक बयान दिया है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ओ ये चीजां च नहीं गए, ये तो एक एक मैं समझदा कितने ट्रेन लुट ली कितने जे कितने खादा जिहड़ियां मैं देख रहा रोज वो भी तो किसी जिमीदार नूं मिलनी है। जिहड़ी तुसीं कहिंदे इधर नहीं जाओ इधर जाओ इधर नहीं जाओ इधर जाओ, तुसीं तालेबान बन गए यार, कितने तो यह कम रुकना पड़ेगा ना। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि किसान बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ किसान नेता हैं जो ये सब कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उपचुनाव के बाद किसान नेताओं की संपत्ति की जांच होगी, उनकी संपत्ति में कैसे बढ़ोतरी हुई उसकी जांच करेंगे। उन्हां दी भी किसान लीडर बन तो पहला कितनी जमीन सी ते किसान लीडर बन के उन्होंने कितनी जमीन जायदादां हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर किसान यूनियन के नेता सरवन सिंह पंडेर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार है, जब चाहे तब किसानों की संपत्ति की जांच कर सकते हैं। अब चुनाव से पहले ही जांच कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। तो मैं कहना बिट्टू साहब, थोड़ी पार्टी 11 साल तो सत्ता च है, मोदी जी अमित शाह जी तो जोर ला के थक गए, थोनू रोकया किन्ने आ कि जे कोई भी किसान लीडर थोनू गलत लगता थोनू जांच करनो रोकया किन्ने आ। अब देखना होगा कि रवनीत सिंह बिट्टू के बयान से पंजाब के उपचुनाव पर कितना असर पड़ता है।